दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, पेपर कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा एग्ज़ाम डेट का, तो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है गाइस वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारी मैं बताना चाहूँगा। सभी का सवाल रहता है कि हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम डेट क्या होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा की जो हालत है अब वो पहले से बेहतर होने लगी है और एग्ज़ाम डेट को लेकर एक अपडेट आ रही है कि इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जा सकता है वो आपका अगस्त के मिड या लास्ट में हो सकता है इसका एग्ज़ाम। और एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो ये आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट ऑफ वीक अगस्त, मतलब पहले वीक में आपको इसका एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। अब बहुत लोग कहेंगे आपको कैसे पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, कन्फर्म डेट तो नहीं बता सकता लेकिन एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो सकता है, एडमिट कार्ड आपको अगस्त के पहले वीक में दिख सकता है। और बहुत लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि पेपर जो है वो कितने नंबर का होगा, वो देख लेते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर कितने नंबर का होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो देखने को मिलेंगे वो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये कितने नंबर के होंगे, ये आपके होंगे 80 नंबर के। मतलब ईच ऑफ क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका 0.8 मार्क का होने वाला है, मार्क का होने वाला है, मतलब 0.8 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और पूरे 100 क्वेश्चन मिलाकर आपका जो हो जाएगा वो 80 नंबर का पूरा पेपर होगा, 80 नंबर का। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100। अब दूसरा सवाल आता है, अगला सवाल, कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप कराएगा होने वाला है, जो कि दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में आपका कराया जाएगा। और इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। मतलब आप सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, अगर आता है तो भी लगा सकते हैं क्वेश्चन में, अगर नहीं आता तो आप तो भी आप निशान लगा सकते हैं, गोलों को भर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा इसलिए। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगा इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो 10+2 लेवल का होने वाला है, 10+2 लेवल का आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो इसका और भी कुछ बात करते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके एग्ज़ाम डेट की अगस्त में देखने को मिल सकती है या पहले भी देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दो आपके पॉइंट हैं इसमें, मैथ्स एंड रीजनिंग से मिला के आपके 35 से 40 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के। तो इसको भी आपको तैयार करना, रीजनिंग के मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, मैथ के भी जल्दी आपको प्रोवाइड करवाने लगूँगा। अब आपकी आती है अगला पॉइंट जीके, जीएस, जीए, करंट अफेयर्स, इसी में आ जाएगी करंट अफेयर्स, और आपकी हरियाणा जीके। ये जो है इसमें से हरियाणा जीके जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा जीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जीके, जीएस, जीए आपको कवर करना है, इसी में आपका कंप्यूटर हो जाएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर के बाद आपके हिंदी के क्वेश्चंस भी आएंगे, इंग्लिश के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सभी आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।